हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। आज हम बूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। बूटिंग क्या होता है? आपके कंप्यूटर या फिर कोई भी कंप्यूटर बेस्ड डिवाइस, जैसे कि आपका स्मार्टफोन, जब भी स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग आपकी दो स्टेप्स में होती है। एक तो आप पावर ऑन करते हैं, दूसरा जब आप पावर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कंप्यूटर में विंडो 10 है या फिर विंडो 8 है या फिर विंडो 7 है, तो ये आपके तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसमें से कोई भी है वो आपका कहाँ पर चला जाएगा? मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा। देन जो आपकी एप्लीकेशंस हैं सिस्टम में, वो सारी की सारी रेडी हो जाएंगी सो दैट कि उनको यूज़र यूज़ कर सके। तो ये होती है बूटिंग की प्रोसेस। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूटिंग कहा जाता है। और इसमें होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लोड होता है? मेन मेमोरी में। ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर लोड होता है बूटिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है बायोस क्या होता है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो प्रोग्राम, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो एक प्रोग्राम लोड होता है कंप्यूटर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस बोलते हैं। द फर्स्ट प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करते ही लोड होता है, रन होती हैं, वो हमारा बायोस कहलाता है। तो बायोस क्या है? एक फर्मवेयर है। अब फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि परमानेंटली प्रोग्राम किया जाता है हार्डवेयर के अंदर। कहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है? हार्डवेयर के अंदर। नेक्स्ट है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम बायोस की फुल फॉर्म आती है या फिर पूछ लेते हैं कि जो बायोस है वो क्या है। बायोस क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया होगा, पहला प्रोग्राम जो कंप्यूटर के स्विच ऑन होने पर रन होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रीबूटिंग। रीबूटिंग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या है, आपका बूटिंग है। देन रीबूटिंग क्या है? कंप्यूटर ऑलरेडी आपका चल रहा है, रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्मार्टफोन को रीस्टार्ट करते हो तो वो भी एक तरह की रीबूटिंग ही है। ठीक है, तो आपका फ़ोन या फिर पीसी जो है रन हो रहा है, और जब हम उसको रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट क्यों करते हैं? समटाइम आपका जो सिस्टम है बहुत स्लो हो गया है, हैंग हो गया है, हार्डवेयर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, प्रिंटआउट ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उसको रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। या फिर रीबूटिंग तब भी की जाती है जब आपने कोई नया हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल किया होता है। तो रीबूटिंग क्या होता है? रीस्टार्ट करना, रीबूटिंग कहलाता है। अब जो टाइप ऑफ बूटिंग, दो टाइप की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग और दूसरी वार्म बूटिंग। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना, सम टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोल्ड बूटिंग ना देके आपको हार्ड बूटिंग दिया होगा, तो ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं पावर सप्लाई से, ठीक है, और इस टाइम पे आपका बायोस लोड होगा, यानी कि आपने क्या किया, पावर ऑन किया, बायोस आपका लोड हुआ, ठीक है। लेकिन जो वार्म बूटिंग होती है, वार्म बूटिंग में सिस्टम जो होता है आपका ऑलरेडी रनिंग होता है, ठीक है, और उसको हम रीबूट करते हैं, ठीक है, वो वार्म बूटिंग कहलाता है। तो अगर पूछा जाए कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में से फास्टर कौन सा है, तो आपका वार्म बूटिंग जो है फास्टर है। क्यों? क्योंकि कोल्ड बूटिंग के टाइम पे बायोस भी आपका लोड होता है, लेकिन वार्म बूटिंग के टाइम पे बायोस आपका लोड नहीं होता है। तो बायोस आपको पता ही है क्या है, क्योंकि पीछे अभी एक्सप्लेन किया था। तो ये आपका वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, रीबूटिंग और बूटिंग क्या होता है, इस पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्यूटर बेसिक का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें से पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको बूटिंग का कंसेप्ट जो है अच्छे से आ गया होगा। तो ये पूरा जो भी कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनकी वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही हैं, और वो काफ़ी अच्छे से रन भी हो रही हैं, एंड उनकी डिमांड भी आ रही है। सो इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के, वो कुछ एक्सप्लेन किए जाएंगे वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।